नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ सब्सक्राइबर का इस तरह का सवाल आ रहा था और ये कॉमन सवाल था कि सन 1912 का जर्नल इंडस्ट्री का पेपर है, उसके बाद सन 1963 में यह हम लोगों के दादा के बीच बंटवारा हुआ, वो सारा पेपर हमारे पास है लेकिन खतियान नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। तो दोस्तों इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यदि इस तरह की बात बनी हुई है कि आपके पास जमीन रजिस्ट्री का पेपर है और वह 1912 ईस्वी का है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि वो पेपर 1963 ईस्वी में आके बंटवारा में तब्दील हो गया है जो कि दादा लोगों के बीच हुआ, वो पेपर आपके पास है लेकिन अब आपके मन में सवाल यह आ रहा है कि मेरे पास ये सारा पेपर है तो खतियान कहां से चला गया, खतियान क्या है, खतियान मेरे पास है नहीं। तो दोस्तों यदि आपके पास केवाला अर्थात बैनामा या फिर जमीन रजिस्ट्री कहते हैं वो पेपर यदि आपके पास है तो आपको खतियान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खतियान जो बनता है वह सर्वे के समय बनता है और 1901 से लेके 1910 तक के बीच में कहीं सर्वे हुआ है तो कहीं उसके बाद सर्वे हुआ है, कहीं उससे पहले सर्वे हुआ है, तो सर्वे का जो वर्ष है वह यूं कहे तो 1910 के दशक में अधिकतर जगह सर्वे किया गया और उसी समय खतियान बनाया गया, नक्शा तैयार किया गया, ठीक है। तो अब पहला जो प्रथम भूधारी होगा उनके नाम से खतियान होगा, यदि वो खतियान से जमीन को बेच दिए हैं किसी को तो जिनको बेचे हैं उनके नाम से जमीन रजिस्ट्री का पेपर बन गया। तो आपके पास जमीन रजिस्ट्री का पेपर है तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज ने उस जमीन को खरीदा है, और खतियान होगा तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से होगा। आपके पास जो कागजात में विवरण दिया गया है उस विवरण से आप खतियान ढूंढेंगे तो आपके पूर्वज का नहीं निकल सकता है, किसी अन्य व्यक्ति का निकलेगा, क्योंकि आपके पूर्वज के नाम से जमीन रजिस्ट्री का पेपर निकल रहा है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि खतियान किसी और के नाम से, जमीन रजिस्ट्री का पेपर किसी और के नाम से, और जमीन रजिस्ट्री का पेपर आपके पूर्वज के नाम से है तो फिर उसका जमाबंदी यदि कायम है, आपका लगान रसीद कट रहा है, तो उसके बाद तीसरा कंडीशन है कि उस जमीन पर आपका दखल कब्जा है, मतलब उसका उपयोग आप कर रहे हैं, तब तो फिर आपको खतियान की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर खतियान खतियान क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों समझदारी की बात है, इस वीडियो को अच्छी तरह से यदि समझ में नहीं आया तो बैक होकर फिर से देखिए और समझ जाइए, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।